दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। खबर रीवा से है। गर्मी आते ही बिजली जहां शहरवासियों को रुलाने लगती है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों के ऊपर आफत बनकर टूट रही है। ताजा मामला चोराहटा थाना क्षेत्र के बेला का है, जहां शॉर्ट सर्किट से उठी चिंगारी ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया, जहां 16 एकड़ का रखा गेहूं जलकर राख हो गया। बताया जाता है पीड़ित के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन मौके पर ना तो फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और ना ही स्थानीय पुलिस। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि चंद मिनटों में ही रखा गेहूं जलकर राख हो गया। घटना के एक घंटे बाद पुलिस पहुंची और पंचनामा कार्रवाई कर आगजनी का आकलन करने की बात कही है। बताया जाता है कि यह घटना मधुसूदन पांडे के घर पर हुई। आग की ऊंची उठती लपटों से नुकसान का अनुमान लगाया जा सकता है कि आग कितनी विकराल थी। शहर के चंद किलोमीटर से दूर हुई आगजनी की घटना और फायर ब्रिगेड का समय पर ना पहुंचने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। तो वहीं पीड़ित किसान मधुसूदन पांडे को आर्थिक मदद की भी स्थानीय लोगों ने मांग की है। देश कितना हुआ है तापमान। पानी नहीं आवे आधा आधी मारे लाग मार खड़े। चल